देखिए दोस्तों हम टेस्ट एट्टी थ्री इसको हम डिस्कस कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर वन मैं आपके सामने रख रहा हूँ विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज़ हैविंग मैक्सिमम ऑटो रिद्मसिटी इन द नॉर्मल ह्यूमन हार्ट तो देखिए सबसे ज़्यादा ऑटो रिद्मिसिटी यानी हार्ट बीट प्रोडक्शन पर वो ऐसे नोट की होती है जैसे जैसे हम इससे दूर जाते जाएंगे तो ये ऑटो रिद्मिसिटी कैरेक्टरिस्टिक कम होती चली जाएगी ठीक है दोस्तों तो याद रखना है आपको ऐसे नोट इसमें सही आंसर माना गया है अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आर एन इंटरफेरेंस प्रोसेस इट इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ ए स्पेसिफिक आर एम आर बिल्कुल ठीक है ए सेलुलर मैकेनिज्म दैट यूजेस द जीन्स ओन डीएनए सीक्वेंस टू टर्न ऑफ एम एम आर एन एक्सप्रेशन बिल्कुल ठीक है इट इज़ ए टाइप ऑफ सेलुलर डिफेंस मैकेनिज़म ये भी सही है तो आप देखिए डी ऑप्शन इसके अंदर सही है एन सी आर टी बेस्ड क्वेश्चन है सब कुछ एन सी आर टी में लिखा हुआ है एज इट इज जैसा इसके लाइन्स में क्वेश्चन नंबर फोर देखिए मैच द आइटम्स इन कॉलम ए एंड कॉलम बी तो देखिए कोयल हमें पता है ब्रूड पैरासाइट होती है तो देखिए वन के साथ मैंने सी मैच करा है. माइकोराइजा इसका कोई जीना है क्या तो सेकंड के साथ मैं डी मैच कर रहा हूँ तो वन के साथ सी सेकंड के साथ डी ये एक ही बार है तो करेक्ट ऑप्शन बी हो गया ठीक है सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर एट पर आ गए हम विच ट्रीटमेंट और स्टेप इज टेकन फॉर द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए फिर उसके बाद उसको प्रॉपर प्रिजर्वेटिव के थ्रू मिक्स करना चाहिए और फिर उसके क्लिनिकल ट्रायल्स करने चाहिए तो ये सभी के सभी सही हैं एन सी बेस्ड है डाउन प्रोसेस में ये सब लिखा हुआ है ठीक है अब आइए क्वेश्चन नंबर टेन रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए बी सी डी देखिए क्या है ये क्वेश्चन नंबर टेन में स्टेटमेंट वन देखो इसमें क्या बोल रहे हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इन ई सी जी कॉम्प्लेक्स इंडिकेट्स वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन तो क्यू आर एस बिल्कुल ठीक है ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को शो करता है द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन इज यूज टू ऑप्टेन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ऑन ग्राफ पेपर बिल्कुल सही है ड्यूरिंग a कार्डियक साइकिल द लेफ्ट ventricle pumps आउट अबाउट 70 ml of ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड is इज़ कॉल्ड द output. आउटपुट ये तो स्ट्रोक वॉल्यूम है इसको 72 से मल्टीप्लाई करके cardiac आउटपुट कैलकुलेट करते हैं द second हार्ट साउंड इज associated विद द क्लोजर ऑफ सेमी लूनर बिल्कुल सही है तो देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ वन wrong है है ना तो इसमें शायद आंसर सेकंड होगा तो बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है इसके अंदर आंसर क्या आएगा इसमें बी करेक्ट आंसर आना चाहिए यहाँ थोड़ा सा दिख रहा है मेरे को इसलिए मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ देखिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर इलेवन विच सेल ऑर्गेनिज्म इज़ इनकरेक्टली लिंक्ड विद द सेल वॉल लाइजिंग इन्जाइन यूज टू एक्सट्रैक्ट डी तो देखिए इसमें इनकरेक्टली मैच्ड पहचानना है हमें पता है बैक्टीरियल सेल के लिए लाइसोजाइम को यूज़ करते हैं कलेक्शन ऑफ जेनेटिक मटीरियल के लिए प्लांट सेल के लिए सेलुलोज को यूज़ करते हैं फंगल सेल के लिए काइटिनेस को एनिमल सेल सेल्यूलेस से नहीं टूटेगी ये रॉन्ग है ठीक है तब ये ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो गया क्वेश्चन नंबर थर्टीन पर आ रहे हैं अब विच ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग इज करेक्ट अबाउट एक्सक्रिक्ट सिस्टम इन ह्यूमस जी एफ आर वन एटी लीटर पर डे फ्रॉम द बोथ किडनीज़ बिल्कुल ठीक है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट वन एटी लीटर पर डे पर किडनीज़ ये गलत हो गया जी एफ आर ब्लड फिल्ट्रेट हंड्रेड से टू हंड्रेड एम एल लीटर्स में होता है जी एफ आर द ब्लड फ़िल्ट्रेट इज़ टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड तब ऑप्शन ए जो है वो बहुत किडनीज़ वाला बिल्कुल सही है दोनों किडनीज़ मिला के 180 लीटर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो बनाती हैं जिसमें से करीब करीब 178 लीटर जो होता है वो रीअबज़ॉर्ब कर लिया जाता है 1.5 से 2.0 लीटर ये यूरिन आउटपुट की फॉर्म में बॉडी से निकाल दिया जाता है क्वेश्चन नंबर 15 पर आए अब विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोनोमर कंपाउंड ऑफ द काइटेनस एग्जोस्ट कलेक्टर ऑफ आर्थ्रोपोड। तो देखो आप एन सी आर टी का ही क्वेश्चन है ये होमोपोलीसैक्राइड लिखा है यहाँ पर एन एसिटाइल ग्लूकोज तो ये आंसर करेक्ट हो गया ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में करेक्ट है बिल्कुल सीधा सा एन सी आर टी बेस्ड क्वेश्चन अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन पर द एनजाइम्स दैट आर प्रेजेंट इन दिलाइबा आर देखिए सलाइबा में कौन कौन से एनजाइम होते हैं ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है एन टी ए में टाइलिन होता है क्या बिल्कुल होता है सलाइवरी माइलेज उसका ना ही है लाइसोजाइम होता है ये भी होता है थोड़ा बहुत लिंगुअल लाइपेज भी होता है तो लाइपेज का नाम याद रखना है ये लाइपेज क्या कहलाएगा लिंगुअल लाइपेज तो ये एंजाइम भी यहाँ पर मौजूद है तो ऑप्शन डी इसके अंदर करेक्ट है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन की हम बात कर रहे थे लिंगुअल लाइपेज मैंने आपको बताया वो बिल्कुल सही ऑप्शन है अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड द मॉडिफाइड एरियोलर टिशू इनमें से किसको हम मॉडिफाइड एरियोलर टिशू बोलेंगे तो देखिए बहुत सिंपल सा है एन सी आर टी बेस्ड ही है एडिपोस टिशू जो होता है वो मॉडिफाइड एरियोलर टिशू इस नाम से जाना जाता है क्यों लार्ज एयरफिल्ड स्पेसिस वहाँ पर एडिपोसाइट्स आ जाती हैं बस इतना सा फ़र्क होता है एडिपोसाइट्स में और एडिपोस कनेक्टिव टिशू और एरियोलर कनेक्टिव टिशू में अब देखिए क्वेश्चन नंबर एटीन विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद इनर मोस्ट म्यूकोसल लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इनर मोस्ट म्यूकोसल लेयर को नाम क्या देते हैं म्यूकोसा तो देखिए वहाँ पर इंटेस्टिनल ग्लैंडस हैं क्या नॉट एसोशिएटिड विद द इनर मोस्ट म्यूकोसल लेयर इंटेस्टिनल ग्लैंड उसमें हो सकती हैं जिनको क्रिप्स ऑफ लिवरकुन भी कहते हैं माइक्रोविलाय तो होंगे ही एब्जॉर्बन किया जाए डिओडिनल ग्लैंड नहीं होंगी क्यों क्योंकि ये डिओडिनम के सब म्यूकोसा में होंगी और डिओडिनम के सब म्यूकोसा में होने की वजह से इनको एक साइंटिस्ट के नाम पर पुकारा गया ये ब्रूनर्स ग्लैंड के नाम से भी जानी जाती हैं तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी है दोस्तों अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन पर

हाइड्रोजन और वाटर वेपर्स तो सी इसमें बिल्कुल करेक्ट है सिंपल सा क्वेश्चन है एन बेस्ड है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन पर आते हैं अब मैच द फॉलोइंग रिसेंट एरा ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स ऑरिजिन ऑफ फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म एरा ऑफ रेप्टाइल्स तो देखिए आप ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स ये ट्वेंटी बिलियन अगो है ठीक है इरा ऑफ रेप्टाइल्स ये क्या कहलाता है ये मीसोजोईकेरा कहलाता है रिसेंट एरा सीनोजोइरा है और फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ 2000 मिलियन ईयर्स अगो यानी 2 बिलियन ईयरस कोवाल्ड हुई है तो देखो आप ए के साथ सेकंड, बी के साथ थर्ड सी के साथ फोर्थ और डी के साथ वन तब सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है तो सही आंसर इसमें सी है देखिए अब क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट को मैं बता रहा हूँ आपको एल एस डी इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम तो देखिए इसकी फुल फॉर्म क्या है लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलमाइट ये क्लेविसेफ्स परप्यूरिया ठीक है इससे निकाली जाती है और ये जो फंगस है इसको एरगॉट फंगस नाम देते हैं क्लेविसेफ परप्यूरिया से इसको निकाला जाता है और ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एडिक्ट एडिक्शन कॉज करने वाली एक ड्रग है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी अकॉर्डिंग टू है लेकिन म्यूटेशन टर्म हीज की दीवी नहीं है। उसने उसको म्यूटेशन के बजाय सॉल्टेशन बोला तो ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट है ठीक है अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी वन पर Read the following four statements. in birds the skin is dry without any glands except the preen gland which are modified pseudorific gland. all mammals exclusively respire by using lungs except dolphin and whales. Chameleon is a tree lizard with a prehensile tail and independently movable eyes. बिल्कुल सही है एम फीबीएस दी ओनली टेट्रापो वर्टिब्रेट विच हैज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन विथ नो लार्वल स्टेज लार्वल स्टेज तो मिलेगी तो देखो आप इसमें कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टी वन एक बार फिर से मैं आपको इसको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर थर्टी वन में हम देख रहे हैं पहला स्टेटमेंट देखिए मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ इन बर्ड्स द स्किन इज ड्राइव विदाउट एनी ग्लैंड एक्सेप्ट द प्रीन ग्लैंड विच आर मॉडिफाइड स्यूडोरिफिक ग्लैंड ये स्टेटमेंट बर्ड के लिए है बर्ड्स के पास एक ही ग्लैंड होती है और वो वैक्स सीक्रेटिंग ग्लैंड होती है जिसको प्रीन ग्लैंड नाम देते हैं ठीक है तो वैक्स के सीक्रेश गाढ़े होते हैं तो इस वर्ड को मैं वापस से आपको बता रहा हूं सुडोरिफिक का मतलब होता है स्वेट ग्लैंड्स तो ये स्टेटमेंट भी यहां पर दोस्तों रॉन्ग हो गया ठीक है तो फर्स्ट वाला रॉन्ग और फोर्थ रॉन्ग है तब दो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गए तो दो राइट हो गए ठीक है टू स्टेटमेंट्स रॉन्ग हैं तो टू राइट हैं बहुत अलग से ये क्वेश्चन बनाया गया है इंपॉर्टेंट है देखिए इस टर्म को लेकर के मैं भी थोड़ा सा थोड़ा सा मिस्टेक कर गया था तो आपको याद रखना है सुडोरिफिक का मतलब होता है स्वेड ग्लैंड्स ठीक है अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी टू पर क्वेश्चन नंबर थर्टी टू देखिए क्या है ये क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट स्केलेटल मसल पहला दे आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ए एन एस रॉन्ग है ए एन एस इसको हम विसरल सिस्टम भी कहते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनल ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है सेकेंड दे आर प्राइमरीली फाउंड इन हॉलो ऑर्गन्स स्केलेटल मसल्स तो ऊपर की तरफ मिलती हैं मसल्स जो बोन्स के साथ अटैच्ड होती हैं दे आर बंडल टुगेदर इन ए पैरल फ़ैशन बिल्कुल सही है एक दूसरे के साथ ये पैरलली अरेंज सिलेंड्रिकल फाइबर से मिल के बनी होती है देखाओ दे हैव अ स्मूथ अपीरियंस नहीं इनकी अपीरियंस कैसी होती है स्ट्राइटेड होती है तब ऑप्शन सी अकेला यहाँ पर करेक्ट है तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी सही आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री इसकी मैं बात कर रहा हूँ थर्टी थ्री देखिए क्या है ये क्वेश्चन हमें करेक्ट मैच को पहचानना है स्ट्रक्चर फाइलम और फंक्शन के हिसाब से तो देखिए स्ट्रक्चर कोम प्लेट्स किसमें मिलती हैं निडेरिया में टीनोफोरा में मिलती हैं है. तो यहाँ पर ये गलत हो गया स्ट्रक्चर नीडोसाइट किस में मिलती हैं टीनोफोरा में नहीं निडेरिया में मिलती हैं स्ट्रक्चर सीटें एनेलिडा में मिलती हैं मूवमेंट या लोकोमोशन का काम करती हैं तो ये तीनों सही मैच कर रहे हैं चौथा भी देख लेते हैं एरिस्टोटल डेंटन एक रेस्पिंग ऑर्गन होता है जो इकाइनस या सी अर्चिन के अंदर मिलता है जो इकाइनोडर मेटा का है तो सी इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन एनिमिलिया का ये एक अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल नए तरीके का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन इसको देखिए आप क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग ए आर टी डज नॉट इन्वॉल्व इन विट्रो फर्टिलाइजेशन देखिए किसमें बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा जिफ्ट में होता है क्या जिफ्ट तो टेस्ट्यू बेबी की एक प्रैक्टिस है टेस्टि बेबी में फर्टिलाइजेशन टेस्ट्यूब में होता है एक सी लैब कंडीशन में फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है इंट्रा यूटराइन ट्रांसफ़र ये तो फर्टिलाइजोट के बाद की स्टेज है एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र है गिफ्ट इसमें क्या होता है गिफ्ट में अनफर्टिलाइज एग इसको शिफ्ट किया जाता है या फिर इस पंप को क्वेश्चन नंबर थर्टी एट देखिए करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द फॉलोइंग मेटलाइंस इन रिवर्सिबली अटैचड विद द एपो एनजाइम एक्टिवेटर्स रिवर्सिबल भी होते हैं भाई क्वेश्चन बी नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक पार्ट नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक पार्ट अटैच टाइटली टू द एपो एनजाइम कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप ये बिल्कुल सही मैच कर रहा है प्रोटीन ऑर्गेनिक पार्ट अटैच लूजली टू दी एपोएंजाइम कॉल्ड को एनजाइम प्रोटीन नहीं होता तो ये सही हो जाता डी रॉन्ग हो गया तो ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन स्टेटमेंट ए ह्यूमन स्कल पजिजिस टू ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स पहला इसलिए हम डाई कॉन्डाइलिक स्कल लिए हुए हैं दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है रिप्स इन ह्यूमन आर बाई सेफेलिक डबल हेडेड रिप्स ह्यूमन के अंदर या मैमल्स के अंदर मिलती हैं तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं तब देखिए ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर रहेगा अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री पर आइडेंटिफाई द क्रॉस ब्रीड एनिमल फ्रॉम द फॉलोइंग देखिए अब क्रॉस ब्रीड से कौन बना है म्यूल इंटरब्रीडिंग इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन हिनी इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन लाइगर इंटर स्पीशीज हाइब्रिडाइजेशन हिसारडेल, क्रॉस ब्रीडिंग का रिजल्ट इसको पंजाब के अंदर बनाया गया ये एक शीप है एन में इसके बारे में लिखा है तो सिंपल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर द डैश सेल्स ऑफ टेस्टी सीक्रेट टेस्टोस्टरॉन इन तो देखिए लिडिक सेल्स होती हैं और हार्मोन रिलीज करती हैं तो हार्मोन हमें पता है ब्लड में ही जाएंगे तब इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है जो रिलीज हार्मोन है वो ब्लड के अंदर भेज दिए जाते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन अदर देन सेक्शुअल कॉन्टैक्ट एच आई वी ट्रांसमिटेड थ्रू तो देखिए एच आई वी केसेस के सबसे ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह से सेकेंड uh, सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन से आते हैं तो देखिए रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन एच आई वी कॉस कर सकता है इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स मीयर टच एंड फिज़िकल कॉन्टैक्ट ए एंड बी तो देखिए सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है फैलने का एच के क्वेश्चन नंबर 53 को देख लेते हैं विच सेल्स ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो एंड इट्स एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन रेस्पेक्टिवली तो देखो हमें क्या देखना है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट और उसकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेमब्रेन एम्ब्रियो रॉबर या इनर सेल मास से डेवलप होगा और एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन मेम्ब्रीन से डेवलप होगी तब ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर देखिए आइडेंटिफाई द सेट ऑफ हॉर्मोन्स रिस्पेक्टिवली एंटागोनिस्टिक टू सोमैटोस्टैटिन एंड इंसुलिन तो देखिए सोमैटोस्टैटिन और इंसुलिन का एंटागोनिस्टिक हार्मोन हमें पहचानना है तो सोमैटोस्टैटिन ग्रोथ को रिटार्ड करता है तो ग्रोथ प्रमोटिंग ग्रोथ हार्मोन कहलाएगा इंसुलिन ग्लूकोज लेवल को कम करता है तो ग्लूकागन ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है तब बी ऑप्शन बिल्कुल सही है देखिए अब क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल डिजीज इज करेक्टराइज बाय सस्टेन्ड हाई फीवर वीकनेस एब्डोमिनल पेन कॉन्स्टिपेशन देखिए ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं लॉस ऑफ हेपीटाइट तब ये टाइफॉइड इसके लिए बताई गई टर्म्स हैं तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन बी एनसीआर बेस्ड ये क्वेश्चन है डायरेक्ट एनसीआर की के लाइन्स को ले लिया गया है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ इनवर्टिब्रेटा इज वेरी कॉम्प्लेक्स टी फोर इज सीक्रेटेड फ्रॉम द फॉलिकुलर सेल्स ऑफ पैराथाइरोड ग्लैंड एडिनल कॉर्टेक्स सीक्रीट डाईस्टिर एंड कॉर्टिसोल वेसोप्रेसिन सिंथिसाइज एंड रिलीज बाई पोस्टीर पिट्यूटरी रिलीज होता है सिर्फ सिंथिसाइज थोड़ी होता है तो देखिए ये भी गलत है यहाँ पर ये भी गलत है तब ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन को देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्टली मैस्ड प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन माल्ट होता है क्या ये नहीं है सेकेंडरी होता है एंटीबॉडी दैट क्रॉसेस प्लेसेंटा आई जी जी एंटीबॉडी डेट क्रॉसेस प्लेसेंटा आई जी जी ये तो सही है वैक्सीनेशन एक्टिव इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है क्या ये भी सही है रिजर्वायर ऑफ मोनोसाइट्स प्लीन ये भी ठीक है मैक्रोफेजेस यहाँ पर बहुत सारी होती हैं तब देखिए इनकरेक्ट मैच को पहचानना है तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन माल्ट ये इनकरेक्ट है तो आंसर यहाँ पर चेंज होगा दोस्तों कम से कम बी तो नहीं होगा तो देखिए इसमें करेक्शन है इनकरेक्ट मैच पहचानना है एंटीबॉडी जो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर सकती हैं या ये बोले ओनली एंटीबॉडी विच कैन क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर वो आई है तब सही आंसर यहाँ पर ए आएगा देखिए अब क्वेश्चन नंबर सिक्सटी को देखते हैं करेक्ट डेफिनेशन ऑफ बायो कंट्रोल यूज़ फॉर डेवलपिंग इम्यूनिटी इन द कैटल यूज़ ऑफ माइक्रोब्स टू कंट्रोल प्लांट डिजीजेज यूज़ ऑफ माइक्रोब्स टू कंट्रोल कैटल डिजीजेज अटेंशन ऑल्टरेशन ऑफ डिफेक्टिव जीन तो बायो कंट्रोल एजेंट तो सिर्फ माइक्रोब्स को ही अपन बोल सकते हैं जो प्लांट डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू आउट ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स, हाउ मैनी आर सीक्रेटेड फ्राम द न्यूरोहाइपोफाइसिस? यानी पोस्टियोपिट्यूट्रीसिस में से कौन से निकलते हैं एल्डोस्टिरोन नहीं निकलता है एम एस एच मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन नहीं निकलता है मिलेटोनिन ये भी नहीं निकलता है प्रोलैक्टिन आर सीक्रेटेड फ्रॉम द न्यूरोहाइपोफाइसिस एडीएच तो सिर्फ एक आंसर है और वो है एडीएच ठीक है दोस्तों तो करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर वन अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज कनेक्टेड विद डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड इन पैरी प्लेनेटा अमेरिकाना तो देखिए आप कॉकरोच के अंदर एक ब्रेन रिंग होती है और इससे नर्व कॉर्ड्स निकलती हैं वन पेयर यहाँ पर जहाँ से ये नर्व कॉर्ड्स दोनों जुड़ी हुई हैं ये गेंग्लिया कहलाते हैं सब ईसोफीजियल गेंगलिया और ये ऊपर की तरफ जो गेंगलियाँ हैं ये कहलाते हैं सुपरा ईसोफेजियल गेंगलिया तो नर्व कॉर्ड्स ये दोनों हैं और इन दोनों की क्या कैरेक्टरिस्टिक है ये सब ईसोफेजियल गेंगलिया से कनेक्टेड तो ऑप्शन बीस के अंदर बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर एटी देखिए सेलेक्ट द सेट ऑफ वैक्टर्स यूज्ड फॉर क्लोनिंग इन एन यू कैरियाटिक प्लास्मिड बैक्टीरियोफेज एंड टी आई प्लामेट बट नॉट डिसहार्मेट्रोवायरसिज पहला तो देखो इसमें प्लास्मिड खुद ही गलत हो गया बी देखते हैं बैक्टीरियोफेजेस, फेजिस एंड टी आई प्लासमेट्स बट नॉट डिसहार्मेट्रो वायरसिज एंड प्लामेट्स ठीक है तो देखिए इसमें कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम आ रही है फिर आ जाते हैं सी ऑप्शन प्लास्मिड बैक्टीरियो टी आई एंड डिसआर्म्ड रेट्रोवायरसेस, प्लासमेट्स बैक्टीरियोफेजेस। अच्छा इसमें बट नॉट डिसम्ड है नहीं ये तो यूज़ करेंगे तब देखिए ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो गई सी में इन सब से अपन जीन ट्रांसफर के लिए इन सब को यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर एट्टी वन इफ़ द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंट्रोड्यूस्ड इन ए टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन रीजन ऑफ पी बी आर थ्री ट्वेंटी टू देन पहला देखिए द होस्ट विल बिकम रजिस्टेंट फॉर टेट्रा साइक्लिन देखो आप इसमें किया क्या गया है जो टेट्रा साइक्लिन रजिस्टेंट जीन है इस जीन पर रिकॉम्बिनेशन किया गया है तब इस जीन की एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी ये इस जीन की खत्म हो गई है द होस्ट विल बिकम रजिस्टेंट फॉर टेट्रासाइक्लिन कैसे होगा जब अपन ने उसकी प्रॉपर्टी को ख़त्म कर दिया है द होस्ट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग टेट्रासाइक्लिन द होस्ट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एम्पिसलिन द होस्ट विल लूज रजिस्टेंस फॉर एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन बिल्कुल सही है ठीक है इसको बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्टी पर फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कवर अराउंड सिक्स परसेंट ऑफ अर्थलैंड सरफेस एनिमल्स विद माइग्रेटरी हैबिट्स आर बैडली अफेक्टेड बाई है लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन मैमल्स एंड बर्ड्स रिक्वायर स्मॉल टेरिटरीज ये गलत लिखा है ना ये बिल्कुल उल्टा लिखा है बाकी तो ठीक है इसमें इनको ज़्यादा बड़ा हैबिटेट चाहिए होता है क्योंकि ये डोमिनेटिंग है दोस्तों इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर एटी नाइन प्रोड्यूस्ड बाय बाई द जीन्स क्राई वन ए बी क्राई वन ए बी और क्राई सेकेंड ए बी तो क्राई वन ए सी और क्राई सेकेंड ए बी ये कॉटन बोलबाम के लिए हैं। क्राई वन ए बी जो है वो कॉर्न बोरर के लिए है तो देखिए आप ये कॉटन बोलबम ये कॉर्न बोरर तो दोनों की ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है तो दोस्तों ये मैंने अभी जो डिस्कस किया है ये टेस्ट 83 है ठीक है और इसके सिर्फ और सिर्फ हमने जोलॉजी सॉल्यूशन लिए हैं क्या लिए हैं सिर्फ जोलॉजी सॉल्यूशन